हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम दत्ता। आप देख रहे हैं सिंपल टेक्निक चैनल। आपका हमारे सिंपल टेक्निक चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारे सोशल मीडियाज में आप लोगों को न्यूज़ मिल रहा होगा यूट्यूब बैन होने के, यूट्यूब बैन हो जा रहा है, या आपका इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक हर तरफ छाया हुआ है फ्रेंड्स, यूट्यूब बैन होने वाला है फ्रेंड्स। तो आखिर मुद्दा क्या है, आखिर मेन रीज़न क्या है, क्या मेन बात है, मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि यूट्यूब बैन होने वाला है या नहीं है फ्रेंड्स। तो आप पूरा वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, उसके बाद सुनिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि यूट्यूब के साथ क्यों ऐसे न्यूज़ फैलाया जा रहा है और क्यों ऐसे बात लीक हो रही है, क्यों ऐसा बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि यूट्यूब बैन। तो असल में फ्रेंड्स, जो फरवरी के मंथ था वहाँ पे इंडिया के जो गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट किया था, कुछ कुछ एप्लीकेशंस को लेके, कुछ कुछ ऑलमोस्ट लगभग सभी एप्लीकेशन को लेके एक अनाउंसमेंट किया था कि उस इंडिया गवर्नमेंट ने एक बोला था कि उसका जो टर्म सर्विस है, टर्म एंड सब सर्विस का कुछ कंडीशन दिया था इंडिया के गवर्नमेंट ने, तो वो बहुत सारे एप्लीकेशन ने उसको परमिशन अलाउ किया, मतलब उसको एग्री किया, और कुछ कुछ एप्लीकेशन ने जो उस टर्म सर्विस को एग्री नहीं किया फ्रेंड्स, जो अभी उस एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया इंडिया की तरफ से, वो सारे एप्लीकेशन अभी इंडिया की तरफ से बैन हो चुके हैं फ्रेंड्स। और बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसने उसने टर्म सर्विस को माना, अपने इंडिया के टर्म सर्विस को माना, उसको अलाउ किया, परमिशन दिया, और वो एप्लीकेशन अभी भी आप अपने फ़ोन पर यूज़ कर रहे हैं और चला पा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे ही यूट्यूब के साथ भी हुआ था। यूट्यूब और गूगल का जो सीईओ था उसको भी इस तरह से कुछ अनाउंसमेंट इंडिया की तरफ से जब मिला, तो गूगल के सीईओ ने उसको परमिशन को अलाउ किया और वो अपने गूगल के सीईओ मैन ने उसको इम्प्रूव किया, मतलब उसको सुधार किया, और उसने बोला कि हाँ जल्द ही मैं अपने गूगल के जो गूगल साइट है उस पर मैं इस पर सुधार करूँगा और इसको अच्छे से ठीक करूँगा, आप जो चाहते हैं वैसा मैं करूँगा, इम्प्रूव करूँगा। असल में इंडिया में ये बोला गया था कि अपने जो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें आपका जो सिक्योरिटी डाटा होता है वो सिक्योर नहीं होता फ्रेंड्स, उसको लीक किया जाता है फ्रेंड्स। ऐसे फेसबुक, व्हाट्सएप ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें आपका डाटा सिक्योर नहीं होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर डाटा को लीक करता जाता है। तो इंडिया की तरफ से यही एक अनाउंसमेंट टर्म कंडीशन भेजा गया था कि अपने एप्लीकेशन में इम्प्रूव कीजिए इस चीज़ को कि डाटा सिक्योर रहे, और डाटा तो गूगल के सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है फ्रेंड्स, गूगल सीईओ, ऐसे भी गूगल का जो सीईओ वो इंडियन ही है फ्रेंड्स, तो गूगल ने इस चीज़ को एग्री किया, और गूगल पहले से बहुत अच्छा से इम्प्रूव किया हुआ था, और गूगल ने उसको और अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया और अच्छा किया। तो कुल मिला के बात यह है फ्रेंड्स कि यूट्यूब बैन होने वाला नहीं है, क्योंकि गूगल का जो सीईओ है वो इंडियन ही है, ऊपर से इंडियन होने के बाद से गूगल ने उस चीज़ को एग्री किया, उसको माना, और उसने अपना इम्प्रूव किया उस चीज़। तो बस यूट्यूब बैन होने वाला नहीं है फ्रेंड्स, ये सुन के आप लोग खुशी मिली होगी, मुझे मालूम है फ्रेंड्स, जो जो यूट्यूबर है वो लोग खुश हुए इस न्यूज़ को सुन के। यूट्यूब बैन होने वाला नहीं है, ना ही गूगल बैन होने वाला है फ्रेंड्स, गूगल तो बैन होगा ही नहीं फ्रेंड्स। तो बस यही न्यूज़ था फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, वीडियो सुन के आप लोगों को खुशी मिलेगा फ्रेंड्स। चैनल में नया चैनल सब्सक्राइब करिए, आज के लिए थैंक यू।